अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे सफ़र ठीक होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जैसे कि आप आगे मेरे देख सकते हैं क्या है, तो इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ मिलती है। ठीक है, और ये मतलब कि नज़र तो आ रहा है ग्रिलिंग टूल सेट है। ठीक है, तो ये मतलब कि ग्रिलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का है, इसके ऊपर पैकिंग हुई। ठीक है, ये लिखा है इस तरफ, इसकी दूसरी साइड पे आपको दिखाता हूँ हमें कौन सी चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं। नीचे लटा देता हूँ क्योंकि नज़र नहीं सही तरह आएगा। 14 पीस सेट है, ठीक है, इंक्लूड। ये आप सारा पढ़ सकते हैं कि इसके ऊपर क्या लिखा है। ठीक है, कौन कौन से इसके अंदर चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, इसको दूर से मैं दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह का लगता है। अब मैं इसकी पैकिंग खोलता हूँ और इसके अंदर देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। ठीक है, ये हो गए, ये जी है 8 है नायलॉन कॉर्न होल्डर। ये जो है ये आप देख सकते हैं नायलॉन कॉर्न होल्डर है। ये मैं आपको एक अगर निकाल के दिखा सकूं तो ये कुछ इस तरह का है, इसके ऊपर चिकन के साथ इस तरह मतलब के लगाते हैं। ठीक है, मसाला लगाने के लिए चिकन को। ये हो गया हमारा ब्रश आ गया, जिसके ऊपर से मैं उठा कर दिखाता हूँ ब्रश है। ठीक है, ये बारबेक्यू के लिए या चीज़ों के लिए, ये सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको भी बंद कर लेते हैं। ये फोर स्केवर्स हैं, ठीक है, जिनको हम उर्दू ज़बान में सीखे कहते हैं, पर ये सीखों से तो काफ़ी छोटे हैं। ठीक है, ये नॉर्मल इस्तेमाल के लिए आते हैं। ठीक है, जो आपको थोड़ी चीज़ थोड़ा मतलब चिकन लगाना है और जल्दी में लगाना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 इसके अंदर हमें प्रोवाइड है। ठीक हो गया, ये हमें इसके अंदर ग्रिल फॉर्क प्रोवाइड है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं साइज में काफ़ी बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो मैं अगर आपको इसको निकाल के दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह का है। ठीक है, काफ़ी बड़ा है साइज में भी। और ये हमें मिलता है जी मतलब के बिग साइज, जिसको उर्दू ज़बान में चमचा टाइप कहते हैं। इस तरफ इसके, इस तरफ आप देख पा रहे होंगे कि इस तरफ दंदे टाइप है, इस तरफ से थोड़ा सा तीखा है। तो ये हमें साइड चेंज करने में भी, और अगर चिकन के पीस करने हैं तो इस तरह करके तो पीस भी कर सकते हैं बनने के बाद। ठीक है, तो ये इस चीज़ के लिए काम में आता है। और लास्ट में ये रह गया, ये हमारा, एक मिनट इसको मैं निकाल के फिर आपसे मिलता हूँ। आखिर में ये हमारा टोंग रह गया, तो इसको आप देखते हैं कि ये किस तरह का, ये कुछ इस तरह का है। ठीक है, साइज़ में काफ़ी बड़ा है, इसको मैं खोलूँगा नहीं क्योंकि ये ब्लॉक है। ठीक है, तो ये कुछ हमारा बारबेक्यू का सामान है जो आप इजीली घर में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सेटअप होना भी चाहिए कि ये इतना कुके हो कि घर में आप मतलब कि अगर आपने करना है इजी तो आपके पास चीज़ें मौजूद हो। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। उतनी देर के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह ने के बान।